हम हैं भावनगर के नरसी बाबा गाठिया दुकान पर। खासियत इसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इसकी गाठिया पसंद करते हैं और आप भी खाएंगे तो कहेंगे वाह। 1920 में ये दुकान खुली थी, 102 साल हो गए लगभग। हम अंदर लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का गाठिया क्यों मशहूर है और कैसे बना था। हमारे साथ आपका नाम भाया भाई, ये कब दुकान खुली थी जरा बताइए इस दुकान के बारे में, कैसे कैसे बढ़ता है। 1920 में दुकान खुली क्या? हाँ आप बताइए जरा दुकान के बारे में। हमारी दुकान 1920 में मेरे ग्रैंडफादर ने इस्टेब्लिश किया था और अभी ये तीसरी पीढ़ी हम चला रहे हैं। तो सिर्फ भावनगर में है या और भी ब्रांचेज हैं? भावनगर में 3 ब्रांचेज है, बाहर तो हम रीसेल में बेचते हैं। कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक जाता है ये बड़ी? जैसे देश विदेश में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब अमेरिका सब जाता है। एक चीज़ ये भी बताइए कि 102 साल हो गए आपकी दुकान को और अभी तक टेस्ट वैसा? हाँ वैसा ही क्योंकि हम हैंडमेड यानी हाथ से बनाते हैं। अच्छा। इसलिए उसका टेस्ट है और यहाँ का पानी है जो भावनगर का पानी उसके हिसाब से। अच्छा, वो पानी से जैसा गांठिया बनेगा वैसा किसी से नहीं बनता है। अच्छा, कोई चाह कर भी चाहे बाहर बना ले तो नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है कुछ? अगर इसमें अच्छी क्वालिटी का बेसन आता है और हम तो ग्राउंड नट ऑयल में बनाते हैं। ऑयल तो कई प्रकार के आते हैं, हम ग्राउंड नट ऑयल में बनाते हैं और ये 1.5-2 महीने तक अच्छा रहता है। और पैकेट जो होता है वो कितने कितने किलोस के हैं? ये आधा किलो का है। अच्छा, ये आधा किलो का पाव का है। आधा किलो का दाम कितना होगा? 170 रुपीज। अच्छा, एक चीज ये भी बताइए कि इसमें आप ये ब्लैक पेपर डालते हैं, ये किसके लिए डालते हैं? मतलब गैस ना हो? ना, टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए। अच्छा, ब्लैक पेपर आता है, अजवाइन 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 आता है। अच्छा, और जीरा भी पड़ता है। अच्छा, मतलब टेस्ट कर ले। आइए आइए, दे रहे हैं यहाँ पे टेस्ट भी कर। बस बहुत होगा काफी। आप नवरंग जी, आप मतलब आलोक जी, ऐसा भी है कि ऐसा कहा जाता है कि बेसन डाइजेस्ट होने में थोड़ा हैवी रहता है, तो इसमें आप प्रकार भी ज्यादा है। हम अलग अलग प्रकार के 7-8 वेराइटी गांठिया की बनाती है। इसमें काली मिर्च वाला होता है, प्लेन नाइलॉन होता है भावनगरी बोलते हैं जिसको, चंपा कली होता है, लहसुन वाला होता है, मेथी वाला होता है, पपड़ी गांठिया होता है। इतने सारे गांठिया? हाँ, चंपा कली आपने कहा, चंपा कली उसमें काली मिर्च नहीं आती है और मसाला में जीरा और अजवाइन रहता है। अच्छा, और ये नायलॉन, मतलब नायलॉन गाठिया क्या होता है? रेशम जैसा पतला होता है, एकदम रेशम है, मतलब मुंह में रखते ही पिघल एकदम मेल्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे ये पैकेट हम खरीद कर यहाँ से दिल्ली नोएडा ले जाएं तो कितने दिनों तक चलेगा? 1.5 महीने तक रहता है। 1.5 महीने तक? अमेरिका वगैरह ले जाते हैं जब बाहर, आउट ऑफ इंडिया 6-6 महीने वो फ्रिज में रख के खाते हैं। अच्छा, फिर हमें। अच्छा, वो जरा किस्सा बताइए। हम लोग तो पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हैं इस गाठिया के, क्या कहानी है? मोदी साहब के जो उसके छोटे थे जब वो बोले कि वो संघ कार्यालय में जब वो रहते थे वहाँ, यंग थे तब जी, तब उसके कोई यहाँ रिलेटिव है दादा। अच्छा, हरी सिंह दादा बोले, वो यहाँ से भेजते थे लेके। अच्छा, और वो खाते थे और वो उनको अभी तक याद है? हाँ, वो याद है। अच्छा, और ये वो हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा, अभी शायद हाल में आए थे, हमें लोगों ने बताया कि वो अभी वहाँ क्या बता रहे थे कि मोदी जी आए थे तो गए थे इस तरफ? नहीं नहीं, मतलब उन्होंने जिक्र किया था। अच्छा, स्पेशली जी कि मोदी जी भी खाते हैं? जी हाँ जी हाँ। वीडियो का क्लिप है मेरे पास। अच्छा, दिखाना देखना चाहे के तो दिखा सकता हूँ। नहीं, वो हमारे पास भी। और ये क्या चीज है गाठिया के अलावा? ये जैन भाकरवड़ी है। ये भाकरवड़ी इतनी बड़ी? हाँ, मतलब आलोक जी मैंने कभी इतनी बड़ी भाकरवड़ी नहीं देखी। आप टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, ये थोड़ी यूनिक भी है ना, मतलब। और सर ये 5-6 दिन रहती है, फ्रेश रहती है? हाँ, 5-6 दिन रहती है। 5-6 दिन रोज बनाते हैं? हाँ, रोज सुबह बनती है। और ये क्या है, मतलब मुझे कुछ खाखरा जैसा दिख रहा है। ये इसको पूरी बोलते हैं? पूरी मैदे की, फणसी पूरी। क्या फणसी पूरी? ये मैदे की बनती है। और इसमें ये सब क्या, कुछ जीरा और मरी है, ब्लैक पेपर, जीरा देख पा रहा हूँ। और ये पेड़े भी रखे हुए आपने? पेड़े भी है। अच्छा, ये व्हाइट कलर के हैं, ये मतलब कौन से फ्लेवर है जरा बताएंगे आप? यहीं से वाले? ये केसर वाले हैं, ठीक है।
व्हाइट दूध मावा के, अच्छा दानेदार मावा, दानेदार मावा, अच्छा, और छेना जिसे बोलते हैं ना जी, अच्छा, और ये केसर, ये क्या प्लेन पेड़ा, केसर प्लेन, और ये यहाँ का लोकल लग रहा है, ये क्या है, थाबड़ी पेड़ा बोलते हैं, थाबड़ी बुने हुए मावे का, बुने हुए मावे का पेड़ा। आलोक जी आपके यहाँ मिलता है क्या? नहीं, ऐसा दूध को बिल्कुल खोला के जब जला देते हैं जी, हाँ, में जो बसता है वो पेड़ा उसको, अच्छा, वो घी में सेका जाता है। तो ये बताइए, हमने सुना कि भावनगर के लोग अगर सुबह चाय के साथ गांठिया न खाए तो उनका दिन बड़ा खराब गुजरता है, क्या है कल्चर में? ये तो यहाँ जो परंपरा है कि हम सुबह सुबह फाफड़ा गांठिया बने, फाफड़ा गांठिया खाते हैं और चटनी खाते हैं, मरचा खाते हैं। और आपने कहा कि भावनगर का पानी ही स्पेशल, हाँ, है इतना कि मतलब यहाँ जो गांठिया बनता है वैसा कहीं बन ही नहीं सकता, मतलब क्या पानी थोड़ा सॉल्टी रहता है, क्या कहेंगे? ना ऐसा तो कुछ नहीं है, सॉल्टी नहीं, पर ऐसे ही जैसे वो अमृतसरी कुलचे के बारे में कहते हैं ना कि अमृतसर का पानी वैसा है, ऐसा मतलब इनका कहना है कि यहाँ का जो पानी है जी, अच्छा, उससे ही ये स्पेशल गांठिया बनता है। तो हम थे ये भावनगर के फेमस गांठिया की दुकान पर, आपको आगे भी अलग अलग कलर्स दिखाते रहेंगे भावनगर के, गुजरात के अलग अलग हिस्सों के, बने रहिए एनबीटी के साथ, शुक्रिया।